हाय गाइस, मैं आपको मेरी सारी पेंटिंग्स भेज देती हूँ, सब कुछ भेज, लेकिन मैं इन सब के लिए यूज़ क्या करती हूँ, तो वो आज मेरा पूरा पेंटिंग सप्लाई आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। हम लोग पेंसिल से स्टार्ट करते हैं, तो मैं कौन सी पेंसिल यूज़ करती हूँ आपको दिखा देती हूँ। ये अप्सरा की 8B है। ये मैं मेरा कोई भी स्केच हो तो मैं ये 8B यूज़ करती हूँ, और कुछ डार्क हो या बैकग्राउंड को काला कर लेना है तो 10B अप्सरा के यूज़ करती हूँ। मैं चारकोल भी यूज़ करती हूँ, लेकिन वो अब अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ये भी 8B है, तो अप्सरा के इस तरह के पेंसिल्स मैं यूज़ करती हूँ। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे ब्रशेस कौन से हैं। इस तरह के ब्रशेस मैं यूज़ करती हूँ। ये फ्लैट ब्रश है मेरा। इन सभी ब्रशेस के साथ मैं मेरी पेंटिंग पूरी करती हूँ। और अब हमें कुछ अच्छा बनाना हो तो थोड़ा सा कभी कभी ये भी यूज़ करना पड़ता है। ये मेकअप का है, तो यह हम पेंटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। पेंटिंग में मैं ये ब्रश भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब हमें स्टार्स बनाने हो तो इस तरह से करने से वो स्टार्स से बन जाते हैं, तो इसलिए ये ब्रश भी यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट है ब्रश पेन। तो ये कैमल की यूज़ करती हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देती हूँ इसका यूज़ कैसा होता है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ब्लश पेंस का, तो हम ब्राउन कलर यूज़ करके देखेंगे। ये ब्राउन कलर मैं आपको दिखा देती हूँ यूज़ कर। मैं यहाँ पे लिखती हूँ और जब भी हमें वाटर कलर पे चलाने होते ये बहुत ही यूजफुल रहता है। आपको लगे ये स्केच पेन है, लेकिन स्केच पेन नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जाते हैं ऑयल पेंसिल पर। मैं दो तरह के ऑयल पेंसिल यूज करती हूँ, ट्रायंगुलर ऑयल पेंसिल से और एक हमारे सर्कुलर है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगुलर ऑयल पेंसिल दिखाती हूँ। ये ट्रायंगुलर ऑयल पेंसिल कैमल के है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये इतने यूज करती है आप सर्कल में हमारे ये कैमल के। ये आप सभी को पता होगा इसका यूज बहुत ही अच्छा होता है। डॉम्स का भी हम यूज कर सकते हैं। देन आता है वाटर कलर्स, यानी कि पोस्टर कलर्स। तो ये मैं कैमल की यूज करती हूँ, क्योंकि आप कहेंगे कि एगर कलर और पोस्टर कलर ही बेटर है। पोस्टर कलर्स वैसे हमें कुछ बनाना हो या लैंडस्केप पेंटिंग हो, उसमें ये भी अच्छा रहता है, यूजफुल रहता है। और अब एक्रिलिक पेंट पर जाते हैं। मैं कौन सा एक्रिलिक पेंट यूज़ करती हूँ? ये फेरी क्लियर का एक्रिलिक पेंट है। बहुत से लोग फैब्रिक एक्रिलिक कलर यूज़ करते हैं, तो वो स्मूथ नहीं चलते और इसकी शेडिंग भी अच्छी नहीं आती। तो फैब्रिक का जो है ना, उसका इफेक्ट अच्छा होता है। ये वाटर प्रूफ है, इसलिए ये एक्रिलिक कलर हमें यूज़ करने ही चाहिए। सो थैंक यू गाइस, मैं ये सब मेरा पेंटिंग सप्लाईज है। अगले नए पेंटिंग के साथ मिलते हैं। थैंक यू।